राजधानी के सदर थाना इलाके में रावला जी का खंदा में अचानक एक कबाड़ के गोदाम में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस और करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। आग इतनी भीषण थी कि कबाड़ के गोदाम से सटे हुए दो मकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इस आग में करीब पास खड़े हुए 5 ट्रॉली रिक्शे भी जलकर खाक हो गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। खास बात यह है कि आग बिजली का पोल कबाड़ के गोदाम पर गिर जाने की वजह से लगी। दरअसल कबाड़ के गोदाम के पास एक बिजली का पोल था, अचानक किसी वाहन से हिट मारने से ये पोल कबाड़ के गोदाम पर जा गिरा। इसके चलते गोदाम में रखे सामान में लगी चिंगारी ने धीरे धीरे आग का रूप ले लिया। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग सड़कों पर आ गए और सड़क पर लंबा जाम भी लग गया। हालांकि बाद में पुलिस ने यातायात व्यवस्था को संभालते हुए जाम को खुलवाया। ये रावल जी का बंदा हसनपुरा में आग की सूचना मिली थी। हमने बनीपार 22 गोदाम घाट गेट और मानसरो से गाड़ियां रवाना कही। अभी तुरंत पूरा काबू है, आग पर काबू पा लिया गया है। करीब ये क्या कबाड़ का गोदाम था और एक इलेक्ट्रिक